दोस्तों, मैं हूं चित्रांशी। और दोस्तों, कई रिक्वेस्ट आई थी कि कॉर्ड्स के साथ सॉन्ग गाने में प्रॉब्लम होती है, तो कॉर्ड्स के साथ हम लोग सॉन्ग कैसे गा सकते हैं। धीरे धीरे पहले आप स्वर को बोलिए, एक बार हम करके दिखाते हैं आपको, और फिर इसको कैसे आप करेंगे ये हम समझा देते हैं। तो जैसे हमने कुछ स्वरों का संयोजन लिया, सा 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 नी धा 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 नी रे 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 नी रे सा 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 नी धा 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 नी रे 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 नी रे सा 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 रे गा मा पा 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 मा पा धा 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 पा मा रे 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 गा रे सा ट्यून थी। तो अब इसमें हमने किया क्या, स्वर को लिया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप बोलेंगे ई माइनर कॉर्ड इसमें, सी डी कॉर्ड्स पहले ही हम बता चुके हैं आपको, ई माइनर सी डी और ए माइनर, ये चार कॉर्ड्स हमने यूज किए हैं इसमें। और ई माइनर की स्केल पर पूरा पूरा ये कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको स्केल जानना जरूरी है। कुछ हमारे पास इंक्वायरी आई थी जिसमें उन्होंने पूछा था कि हमें हिंदी वाले नोट्स नहीं समझ में आते, तो उसका लेसन हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश चाहे जो हो आप उसको बजा सके। ये कंपोजिशन हमने ई माइनर पर रखा है, तो ई माइनर की जो स्केल आती है वो ई F sharp, G, A, B, C, D, E, ये नोट्स हैं इसके। और नीचे के नोट्स क्या आएंगे, E, D, C, D। अगर इसको सरगम में बोले हम लोग तो सा आगे यही बोलते चले जाइए, सा रे गा मा पा धा रे सा। तो ये इसका स्केल था। इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बोल के पहले। फिर अब हम लोग अपनी कंपोजिशन में हैं, तो सबसे पहले आपको प्ले करना है इसको, सा 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 नी धा 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 नी रे 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 नी रे सा 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 रे गा मा पा 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 मा पा धा 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 पा मा रे 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 गा
ये नोट्स थोड़ा सा आप बोलिएगा पहले, उसके बाद अब आप कॉर्ड्स पर आइए, आपको बोलना है सा 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 नी धा 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 नी रे 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 नी रे सा सा सा। तो इसमें कर क्या रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 चेंज होएगा। जब ये चेंज होने लगे तो इस पर ये रिदम हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं, डाउन अप 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 डाउन। इसी रिदम को आप लीजिए और दो दो बार पहले चेंज करिए, छोटे छोटे संयोजन को हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे, स्वरों के संयोजन को बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिदम आपका चलने लगा है। तो जैसा कि हमने पहले किया था सा 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 नी धा 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 नी रे 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 नी रे सा 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 रे गा मा पा 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 मा पा धा 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 पा मा रे। कॉर्ड्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, दोस्तों ये चलना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। अगर आप बात भी कर रहे हैं तो भी ये आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब इसके बाद आगे वाला स्वर आपको बोलना है गारे 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 गा मामा सारे 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 गा। आप कुछ भी बोलिए लेकिन ये स्वर आपके दिमाग में चले सारे 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 गा गा मा 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 गा 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 रे 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 मा मा गा गा रे रे गा रे सा 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 मा 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 गा 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 रे 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 मा मा गा गा रे रे गा रे सा 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 नी धा 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 नी रे 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 सा सा सा। अब इसके आगे वाला स्वर कोशिश करिए, मतलब यही चल रही है पापा मागा पापा मागा पापा मागा मामा गारी मामा गारी सा पापा मागा पापा मागा मामा गारी मामा गारी सा 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 डेरे डेरे गा 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 सा 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 डेरे डेरे गा 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 डेरे डेरे गा 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 मामा मामा डेरे गा 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 मामा जाता है आपको तो कहीं ना कहीं एक टाइमिंग में आप स्वर बोल ले रहे हैं। इसी पर गाने आते हैं हाँ मैंने भी प्यार किया है या मैंने भी प्यार किया है। तो कहने का मतलब ये रिदम धीरे धीरे आपकी बॉडी में आनी चाहिए। अब ये आ गई तो कोई भी रिदम आप ले लीजिए, चेंज कर लिए सा 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 नी धा 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 नी रे 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 नी रे सा सा। फिर रिदम चेंज कर लिए सा 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 नी धा 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 नी रे रे सा सा। तो बार बार स्ट्रमिंग चेंज करिए लेकिन टाइमिंग और स्वर इस पर कमांड रखिएगा थोड़ा सा, लाइक एक साथ सा 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 नी धा 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 नी रे रे
सिंपल भी है। स्वर को बोलना है आपको, स्वर आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले आप ई स्केल प्ले करेंगे, सरगम बोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक काउंट पर चेंज करेंगे, फिर कोई भी रिदम जो आपको पसंद आए उस रिदम को आप ले सकते हैं। उसपे जो छोटे छोटे स्वर हैं, हमने कोशिश किया है कि सरल से सरल स्वर ले सके जो कि आप आराम से बोल सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल का नाम है साउंड ऑफ प्लैटिनम, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों कमेंट करिएगा कि ये लेसन आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।